साइलेंस रखना मतलब चुप रहना, ये बहुत महत्व का होता है। हम लोग है ना मनुष्य प्राणी बहुत ज्यादा बात करते रहते, कुछ कुछ लोग तो इतनी टपर 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 करते रहते चुप बैठते नहीं है, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना एक्चुअली उनको बोलने लायक कुछ रहता ही नहीं है, और जो ज्यादा वो ज्यादा स्टूपिड साबित होते हैं। मतलब जितना ज्यादा मुंह आप खोलेंगे उतनी ज्यादा फालतू की बातें मुंह से बाहर आएंगी और उतने ज्यादा आप मूर्ख माने जाएंगे। हरदम साइलेंस रखना ही अच्छा है, कम से कम बात करना। मगर राय तो सब लोग देते हैं, आप रेलवे में जाओ यात्रा करो, आप गांव में पान टपरी पे जाओ या चौराहों पे जाके बैठो तो वहां सब लोग राय दे रहे। पंतप्रधान मोदी ने कारोबार कैसे करना चाहिए, रशिया ने यूक्रेन पर हल्ला किया मगर अभी जीत नहीं पाया तो ऐसा क्यों हो रहा है, मुकेश अंबानी ने अभी अदानी के शेयर खरीदना चाहिए, या विराट कोहली ने जब शादी किया तब से वो जरा फॉर्म से निकल गया तो उसको भी निकाल देना चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं बोलेंगे लोग। ऐसी बात करते कि बस उनको सब दुनिया का नॉलेज है, और बोलते हैं यदि मैं रहूँ ना तो मैं ऐसा करूँगा, मैं रहता ना उसकी जगह तो मैं ऐसा करता था। अभी तेरे को पूछ रहा कौन है, तू तो यहाँ बैठा है दिल्ली में पान टपरी पे, तू क्या कर सकता है। मगर लोग तो सलाह देते हैं, रेलवे में जब यात्रा करते तो उतरते उतरते सब लोग दोस्त बन जाते हैं और वो गॉसिपिंग फ्रेंड होते हैं। गॉसिपिंग फ्रेंड मतलब ऐसे गॉसिप करने वाले दोस्त। तीन टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं और चले जाते हैं, कुछ उसका वो इम्पोर्टेंस देते नहीं है या उसका कुछ रजिस्टर नहीं करते हैं, कुछ लोग देखते रहते हैं क्या हो रहा है तो, और कुछ लोग एक्चुअली करते हैं, एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने वालों की कभी हार नहीं होती, जो लोग एक्शन लेते हैं उनकी कभी हार नहीं होगी, क्योंकि वो कभी ना कभी वो जीत पाएंगे। इसलिए साइलेंस में रहो। क्या होता है कि हमको दो कान और एक मुंह दिया हुआ है, ज़्यादा सुनना चाहिए, मगर हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको ये अनुभव आता है कि आप सुनते ही नहीं हो। पत्नी ये बोलती कि आप सुनते नहीं, मेरा सुनो जी, या बेटा बेटी बोलते कि पापा मम्मी आप सुनते नहीं, सुनो सुनो, ऐसा बोलते रहते हैं। लोग तब तक सुनते हैं जब तक सामने वाला मुंह बंद नहीं करता, जैसे उसने मुंह बंद कर दिया कि ये चालू हो जाता है, मतलब अब लोग ऐसे तैयार है कि कब बंद होगा और मैं कब चालू करूँगा। इसका मतलब आप अपने दिमाग में है और अभी मुझे क्या सुनवाना है उसमें हम तैयार हो रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है सुनते नहीं है। और फिर लोगों को ये अनुभव आता है कि भाई आप तो सुनते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, मुझे समझ तो लो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तो सही, ऐसा लोगों को अनुभव आते रहता है। और फिर लोगों की पट्टी नहीं, बोले सुनते नहीं। जब कोई सुनता है तो उसके चार फायदे हैं। एक तो क्या है, जब आप सामने वालों को सुनते हो बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान देके, बिल्कुल पूरा मतलब वहाँ कॉन्सेंट्रेशन करके, तो उसको लगता है कि ये मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। और नहीं तो जब सामने वाला बोल रहा है तो आप मोबाइल में देख रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, कुछ तो भी देख रहे हैं, कुछ तो भी जवाब दे रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, पानी पी रहे, सामने लगता है क्या है, तो कुछ ख्याल ही देता नहीं है, तो उसको इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंट है ऐसा उसको लगता है। फिर दूसरा जो है कि भाई आप अनकॉमन आदमी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कॉमन आदमी, क्या होता है कॉमन आदमी सुनते ही नहीं, जब आप सुनने वाले होते तो उसको लगता है कि नहीं यार ये इम्पोर्टेंट आदमी है, ये मेरी सुन रहा है मुझे इम्पोर्टेंट दे रहा है, तो वो भी आपको इम्पोर्टेंस देगा और आप भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति उसके लिए हो जाते हैं। बोले सुन लेता है पूरा, समझ लेता है, तो आप भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं। तीसरा, जब आप सुनते हैं मतलब आप सुन रहे हैं मतलब आप कम बोल रहे हैं, इसका मतलब आप फालतू की बातें नहीं कर रहे, स्टूपिड साबित नहीं होते। जब जब आप ज़्यादा बोलते हैं तब तो आप देखो कोई भी आदमी ज़्यादा बोल रहा है ना, ध्यान से सुनो वो बात कितने बार रिपीट करता है, एक ऐसे बोलेगा, मतलब वही बात घुमा घुमा के फिरा फिरा के बोल रहा है, उसको लगता है कि सामने वाला मूर्ख है, उसको समझते नहीं, ऐसे बोलेगा। तो जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ज़्यादा फालतू का शब्द मुँह से आएगा, उतने ज़्यादा आप स्टूपिड साबित होंगे, मूर्ख साबित होंगे, तो इसलिए कम बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। और चौथा जो है कि जब आप सुनते हैं, साइलेंट रहते हो, तब आप एक प्रकार का मेडिटेशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, वर्तमान को मौजूद होना, वर्तमान में 100% रहना, और एक प्रकार का वो मेडिटेशन है जो आप कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब आपके पास में कुछ महत्व का है तभी बोलो, जब कोई महत्व का बोलने लायक नहीं है तो काय को मुंह खोलते और काय को अपना शानपना बताते। When there is nothing important to say, इट इज इम्पॉर्टेंट नॉट टू से एनीथिंग। क्यों बोलने का है, ज्यादा बोलना ही नहीं है, चुप रहो। कोई भी लोग पब्लिक स्पीकिंग का क्लास लगाते, साइलेंस स्पीकिंग का क्लास नहीं लगाते, तो ये साइलेंस स्पीकिंग का क्लास है, क्योंकि साइलेंस भी स्पीकिंग है एक प्रकार का। जब आप साइलेंस में है तभी एक प्रकार का आप कुछ तो भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मैं सामने वाले को सुन रहा हूँ, मैं सामने वाले को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं साइलेंस में। तो साइलेंस स्पीकिंग क्लास लगाओ आज से और सुनना चालू करो। और सुनते हो आप, इसका बेस्ट टेस्ट एक है, वो है कि जब आप सुन रहे हैं और कोई बोल रहा है तो आपने क्या करना है, उसने जो भी बोला
वो एक समरी में उसको सुनाना है। जब उसकी उसने जो भी बोला वो समरी करके आपने जब सुना है उसको, तो उसको लगता है अरे इसने यार मेरी बात सुन लिया पूरी। और जब आप समरी दे सकते हो इसका मतलब आपने सुना है डेफिनेटली। और सामने वाले तक ये जब समरी दे रहा है इसका मतलब इसने पूरा सुन लिया है। और जब वो सामने वाला खाली हो जाएगा उसको लगता है कि इसने सुन लिया, अब वो आपको सुनने के मूड में आएगा और वो तब आपको सुनेगा जब आपने उसको सुना है, और फिर वो आपकी बात सुनेगा और मानेगा। तो आपको आपकी बात मनवाना है तो पहले सुनना जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।